हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपनी यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म। तो आज की जो हमारा सिलेक्शन सीरीज है उसका जो टॉपिक है वो रहेगा ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। क्या कहता है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, वो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे। उससे पहले हम लोग देखते हैं कि बायोफ्यूल है क्या, यानी कि जैव ईंधन क्या है। वर्ड सेल्फ इंडिकेट कर रहा है, ऐसा ईंधन जो जैविक पदार्थों से बनता है, ऐसे पदार्थ जो अपनी लाइफ साइकिल में एक बार जिंदा रहे हो या फिर वो जीवित हों, उन दोनों से ही हम लोग जैव जो ईंधन है उसका प्रोडक्शन कर सकते हैं। जैव ईंधन क्या है, ऐसे हाइड्रोकार्बन ईंधन जो किसी कार्बनिक पदार्थ जो जीवित हो या एक बार जीवित सामग्री बोल सकते हैं ना, कार्बनिक पदार्थ से कम समय में उत्पन्न होता है उसे हम जैव ईंधन कहते हैं। ये जैव ईंधन है, ये क्या होते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैसियस भी हो सकते हैं। जैसे कि ठोस लकड़ी, क्योंकि लकड़ी है वो किसी पेड़ से बनी है और पेड़ अपनी लाइफ में एक बार तो जिंदा तो रहा ही है ना। तो ठोस लकड़ी, सूखे पौधों की सामग्री और खाद, ठीक है। अब आता है तरल। तरल में बायोएथेनॉल, बायोडीजल शामिल किया गया है, जो कि गैसियस में बायोगैस को शामिल किया गया है। अभी क्या हुआ है कि अब बात आती है कि क्या है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस क्या है, है ना। तो अभी हाल ही में जो G20 एक बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ था, 9-10 सितंबर को इंडिया में ही न्यू दिल्ली में जो हुआ था, उसी में ही क्या हुआ था, इसको लॉन्च किया गया था। तो नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन को औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया। तो ये चीज आप लोगों को दिमाग में रखनी है कि नई जो G20 शिखर सम्मेलन है उसी के मौके पे ही इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। अब चलते हैं। यह जो जैव ईंधन है उसको अपनाने की सुविधा के लिए सरकारों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और उद्योगों का एक गठबंधन विकसित करने के लिए भारत ने क्या किया था इसके नेतृत्व की पहल की थी। इसका लक्ष्य या उद्देश्य या मोटो हम बोल सकते हैं, इसका क्या मेन ऑब्जेक्टिव रहा है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो बायोफ्यूल है उसको, उसका जो यूज है उसको सस्टेनेबली हम लोगों को यूज करना है, उसका जो यूज है उसको बढ़ावा देना है और उसके साथ ही इवन जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है उसमें भी बायो जो फ्यूल है उसको लेके आना है, ठीक है ना। जैव ईंधन को टिकाऊ, जैव ईंधन के उपयोग को तेज करना है, इसमें भी इवन परिवहन क्षेत्र सहित सब में, है ना, इवन ट्रांसपोर्ट सेक्टर मैंने बोला ना, उसमें भी इसके यूज को बढ़ावा देना है। अभी आता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी है वो क्या सुझाव देती है, ठीक है। वो ये कहती है कि अगर आपको 2050 तक नेट जो जीरो कार्बन का इमिशन है वहां तक पहुंचना है, तो आपको 2030 तक जो बायोफ्यूल है उसके जो यूज है उसको प्रोडक्शन को 3 गुना करना होगा, ठीक है ना। अभी जो 2050 तक अगर हम शुद्ध शून्य तक पहुंचने के लिए हम लोगों को क्या करना, 2030 तक 3 गुना होना चाहिए किसका, जैव ईंधन का उत्पादन। ये चीज आप लोगों को माइंड में रखनी है कि 2030 तक अगर बायोफ्यूल का प्रोडक्शन है वो 3 गुना हो जाएगा तो हम हमारा जो टारगेट 2050 तक पहुंचने का कह रहे हैं नेट कार्बन जीरो इमिशन पे, तो वो हो सकता है। अभी है कि जो भारत, अमेरिका और ब्राजील जो इसके कोर मेंबर हम बोल सकते हैं, ठीक है, वो वैश्विक इथेनॉल उत्पादन में कितने प्रतिशत कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। भारत, अमेरिका और ब्राजील, ये तीनों नाम, आप तीनों कंट्रीज के नाम आप लोग को अच्छे से याद रखने हैं। कितना कंट्रीब्यूशन है, 85% वैश्विक इथेनॉल उत्पादन में इनका कंट्रीब्यूशन है। अभी देखेंगे जो अमेरिका है, अमेरिका का कितना है, 55%, उसके बाद ब्राजील का कितना, 27%, और इंडिया का कितना है, 3%। तो ये आप लोगों से पूछा जा सकता है, ये भी आप लोग माइंड में रखना। अभी देखो इसके मेंबरशिप, कौन इसके मेंबर हैं, कौन इसके मेंबर बन सकते हैं, कैसे इसकी मेंबरशिप मिलती है। तो अभी तक क्या है, कुल 19 कंट्रीज और 12 अंतर्राष्ट्रीय संगठन इस गठबंधन में शामिल होने के लिए सहमत हो चुके हैं। तो एक चीज आप लोगों को माइंड में रखनी है कि G20 के टाइम पे इसको लॉन्च किया गया है, तो क्या सिर्फ G20 के जो मेंबर हैं वो इसमें शामिल हो सकते हैं, जो दूसरे जो कंट्रीज है वो इसमें शामिल नहीं हो सकती, जो G20 की मेंबर नहीं है, है ना। तो ऐसा नहीं है, जो कंट्रीज G20 की मेंबरशिप नहीं ले रखी है, G20 की मेंबर नहीं है, वो कंट्रीज भी इसकी मेंबरशिप ले सकती है, ठीक है, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की। तो इसमें क्या है, जिनमें G20 के सदस्य और गैर सदस्य, ये दिमाग में रखना कि गैर सदस्य है, ये इंपॉर्टेंट है, G20 के सदस्य और गैर सदस्य दोनों शामिल है, भारत, ब्राजील और अमेरिका है वो इसके क्या है, संस्थापक सदस्य है। संस्थापक यानी कि कोर कंट्रीज जो हम बोलते हैं, इन तीनों में जो भारत, ब्राजील और अमेरिका तीनों शामिल है 19 देशों में से। अभी जो 19 कंट्रीज ने जो इसमें शामिल होने की पहल की है, उन 19 में से जो 7 है वो G20 से हैं, 7 जो है वो G20 से है, जो 4 है वो G20 के क्या है, आमंत्रित सूची के हैं, और जो 8 है वो क्या है, ना तो G20 के सदस्य हैं और ना ही आमंत्रित सदस्य हैं।
ओके okay? अब विश्व बैंक, एशियाई विश्व विकास बैंक, विश्व आर्थिक मंच, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी सहित अन्य उल्लेखनीय अंतरराष्ट्रीय संगठन भी क्या है इसमें शामिल है। अभी जो ये जो लॉन्च हुआ था उस समारोह में, उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, इटली, अर्जेंटीना, बांग्लादेश और मॉरिशस के नेताओं ने भी इसमें की उपस्थिति अपनी दर्ज की थी। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि जो बायोफ्यूल है उसकी चार जनरेशन है। चार जनरेशन में से जो फर्स्ट जनरेशन है उसमें क्या होता है, जो फूड क्रॉप है ना, आप लोगों को दिमाग में रखना है कि जो फूड क्रॉप है वहां उसके जो एक्सट्रैक्ट बच जाते हैं, जो उसके अपशिष्ट बच जाते हैं, उनसे इसका यूज इसको बनाया जाता है। तो ये क्या है, पारंपरिक तकनीकी का उपयोग करके चीनी, स्टार्च, वनस्पति तेल या पशु वसा जैसे खाद्य स्रोतों से बनाए जाते हैं। अभी देखो, फूड क्रॉप से अगर बनाए जाएंगे तो फिर खाएंगे क्या, जब फूड क्रॉप का यूज इसमें हो जाने लगा तो वो इसमें फूड की क्राइसिस डेफिनेटली आने वाली है ना। तो ये क्या हुआ, फिर इसके बाद में जो सेकंड जनरेशन आई वो होती है नॉन फूड क्रॉप का यूज करके, नॉन फूड क्रॉप का यूज करके बनाया गया। नॉन फूड क्रॉप में क्या हुआ, नॉन फूड क्रॉप जैसे कि जेट्रोफा इसका बेस्ट एग्जांपल है, तो वहां से इसको जो है बायोफ्यूल है उसका प्रोडक्शन किया गया। लेकिन नॉन फूड अगर, क्योंकि जब फार्मर को फायदा जहां मिलेगा, फार्मर क्या होगा उसी तरफ जाएगा, उसको लगा कि बायोफ्यूल प्रोडक्शन में अगर जेट्रोफो का उगाने से उसको ज्यादा प्रोडक्शन मिल रहा है तो वो फूड क्रॉप नहीं उगाएगा। तो वहां पे भी कल्टीवेबल जो लैंड है उसका यूज किस में किया जाने लगा, नॉन फूड क्रॉप को उगाने में किया जाने लगा। वहां पे भी क्या होगा, फूड की क्राइसिस आएगी। इसीलिए जो थर्ड जनरेशन है उसमें क्या किया गया, शैवाल ईंधन है उसके, शैवाल ईंधन के रूप में भी इसको जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो थर्ड जनरेशन में मेनली जो एल्गी है उसका यूज किया जाता है, बायोडीजल और बायो एल्कोहल दोनों के रूप में शैवाल से प्राप्त होता है। ठीक है ना, यानी कि शैवाल का यूज करके या एल्गी का यूज करके बायोडीजल और बायो एल्कोहल बनाया जाता है, और इसको इसीलिए इसको शैवाल ईंधन भी बोला जाता है। इस देखो, इन सब में क्या नुकसान है कि ऐसी फसलों के उत्पादन के लिए उर्वरक पर्यावरण प्रदूषण का कारण बन सकते हैं, यानी कि इनको हम उगाने के लिए जो ये यूज करेंगे, इन दोनों में जो है वो, उन दोनों को हम उगा, जो क्रॉप्स हैं उनको उगाने के लिए जो उर्वरकों का यूज करेंगे उससे क्या होगा, पर्यावरण प्रदूषण का नुकसान होता है। ठीक है, अभी आती है फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन में क्या किया, जेनेटिकली मॉडिफाइड एल्गी और जेनेटिकली मॉडिफाइड जिनका यूज किया गया। ठीक है, इससे क्या हुआ, उनमें जो CO2 के सिक्वेस्ट्रेशन की रेट है वो भी ज्यादा थी, और इसमें हालांकि इसको जो स्टार्टिंग कॉस्ट है जो इसको ऑपरेट करवाने की या उस हैंडल को उसको कम्प्लीटली उस फॉर्मेट में लाने की जहां से उसका बायोफ्यूल का प्रोडक्शन किया जा सके वो कॉस्टली है, लेकिन हम ये जो है ये बहुत, इसकी जो लाइफ है वो काफ़ी अच्छी है। तो फोर्थ जनरेशन में क्या था, तीसरी पीढ़ी की तरह फोर्थ जनरेशन में भी जैव ईंधन है वो गैर कृषि योग्य भूमि का उपयोग करता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें क्या किया जाता है, थर्ड जनरेशन भी एल्गी से है, फोर्थ जनरेशन जेनेटिकली मॉडिफाइड जो है बायोजेंट है वो यूज किए जाएंगे। तो दोनों में, थर्ड और फोर्थ जनरेशन दोनों में ही क्या किया जाएगा, गैर कृषि योग्य भूमि, थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन दोनों में ही, दोनों में ही क्या किया जाएगा आप लोगों को, गैर कृषि योग्य भूमि यानी कि नॉन कल्टीवेबल लैंड है उसका यूज किया जाएगा। ठीक है, गैर कृषि योग्य भूमि का उपयोग करके बनाया जाता है। हालांकि तीसरे के विपरीत इन्हें क्या किया जाता है, बायोमास के विनाश की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे जो थर्ड जनरेशन है से फोर्थ जनरेशन किस तरह डिफरेंट है वो भी हम लोगों ने देखा। तो अभी जो इसमें से जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो इसी टाइप के रहेंगे कि बायोफ्यूल ये जो है, क्योंकि अभी G20 से रिलेटेड है और G20 बहुत ही चर्चा का विषय है, तो उसमें क्या क्या लॉन्च किया गया, क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए, तो उस वजह से ये जो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जो है वो एक इम्पोर्टेंट मतलब टॉपिक बनता है जो इस बार UGC NET में पूछा जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।